जा रहे हैं आइजल की बर्थडे है संडे के लेंगे उसके लिए गिफ्ट गिफ्ट उसने बहुत सारे बताए। दादी का इरादा हो रहा है पिंडी जाने का। मेरी बहन को लेना कुछ नहीं है, ये देखे जा रही है। सरप्राइज लेने के लिए अगर मैं वहाँ पे आपको वेट कर रहा हूँ। शरिया मुझे आया लेने स्पेशली और माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है। आ गया भाई, आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार, अच्छी है ना गाइस, आपके भाई की आवाज। सर घूमे चक्कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे आप? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में? कैसा लग रहा है आपका भाई? बेहतरीन है माशाल्लाह से। अभी हम लोग जा रहे हैं आइजल की बर्थडे है संडे को उसकी शॉपिंग करने के लिए और हम निकल रहे हैं। रिशा का वेट हो रहा है, रिशा जल्दी से आती हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं इंशाल्लाह और आप लोगों को चलते हैं दिखाते हैं शॉपिंग में हम लोग क्या क्या लेंगे उसके लिए गिफ्ट। गिफ्ट उसने बहुत सारे बताए लेकिन हम लेंगे जो जो वो आपको दिखाते हैं। ओके ओके। सो भाई, दादी को मैं छोड़ने आया हूँ यहाँ पर। दादी का इरादा हो रहा है पिंडी जाने का, तो दादी को भी ड्रॉप कर रहे हैं। और हमारा जो कज़न है उमर, उसकी तबीयत ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया यार उसका बेचारे का। छोड़ रहा है दादी को, आप जा रहे हैं आइजल के लिए सामान लेने के लिए। दोस्तों हमें बहुत टाइम लगा और टाइम लगने की वजह ये किसी रीज़न की वजह से, अब वो रीज़न मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं पॉलिटिकल चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, तो कुछ मामला हो रहे हैं जिसकी वजह से आग जलाई हुई है, रश लगा हुआ है। इतनी देर हो गई अम्मा, कितनी देर हुई है? हम लोग दिन में निकले थे, रात हो गई, इतनी देर हो गई है। अब हम पहुंचे एट्रियम जहाँ से हम जाके कुछ शॉपिंग करेंगे। देख रहे हो ये एट्रियम के एस्केलेटर देखे हैं, कितनी ज़्यादा स्लो चल रही है ना रिशा। अच्छा गिर नहीं जाना पीछे, अम्मी आगे जाके अम्मी पहले पहुंचे और हम लोग पीछे। उरूज वेट कर रही है, काफ़ी देर हो गई उरूज को, उरूज को वेट करते हुए इतनी देर हो गई, कब से हमारा वेट कर रही है और कुछ खाए जा रही है। ऊपर है अम्मी वो। ये मेरी बहन को लेना कुछ नहीं है, ये देखे जा रही है। पुरुष तो ये वाला ले ले, ये मैडम की हेल्प कर रहा हूँ शॉपिंग करवाने में। और ये मेरे पसंद का, ये वाला बाद में दिखाएंगे है ना। मैं अंदर इन लोगों के साथ शॉपिंग के लिए खड़ा हुआ था और ये लेनी है मैं इनके साथ। अच्छा ले लो, ऑर्डर दे दो। आप लोग मुझे अकेले छोड़ के क्यों आ गए? घर वाले मुझे छोड़ कर आ गए प्राइज़ लेने के लिए। अम्मी मैं आप लोग का वेट कर रहा था, आप लोग प्राइज़ लेने के लिए अगर मैं वहाँ पर आपका वेट कर रहा था। ऑर्डर दिया हुआ है। अरीशा ने आज फ्राइज नहीं खाई, मैंने योगर्ट वाली आज। मजे दिए, बचपन की याद आ गई। कभी खुशी कभी गम। चले भाई आ गया ऑर्डर। ये अम्मी, उरूज और अरीशा तीनों ने खाना है ना? अरीशा आप भी खाओगी ना? नहीं मैं नहीं खाऊंगी। देखता हूँ, मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा देखता हूँ। ये लीजिएगा आप लोगों का। भाई साहब शॉपिंग तो बढ़ गई, बढ़ इसलिए गई क्योंकि बाहर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे और वो आप लोगों को पता लग जाए ब्लॉग लगाऊंगा जो हालात की सिचुएशन चल रही है उस वजह से हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते। जो फंसा हुआ है वही मेरी फंसा हुआ है। हम लोग सोच रहे घर के निकल जाए और जगहों पे नहीं जा सकते क्योंकि सदर मेन है, सदर में सारे खिलौने वगैरह टॉयज वगैरह मिलते हैं आइजल के लिए, लेकिन हम वो नहीं ले सकते। अभी बस यहीं से हम लोग निकल रहे हैं एटीएम से और घर के लिए भागेंगे। यार प्रोग्राम बढ़ गया, बहुत कुछ सोच के निकले थे यार। हमने आज बहुत सारे शॉपिंग किए और अम्मी क्या क्या खरीदा आपने? सब कुछ खरीद लिया हमने। कुछ भी नहीं मिला भाई, हालात की वजह से हालात खराब हो गए, रास्ते में डर भाग रहे हैं। और अरीशा देखें, कुछ भी हो दुनिया में कुछ जी रहा है मर रहा है तो शॉपिंग करनी है। बात तो सही है। घर आ गए भाई, इतनी ज्यादा थकन हो गई, इतना ट्रैफिक। क्या बताओ और बताओ भाई की दाढ़ी कैसी लग रही है? बहुत जल्द कटवाने वाला हूँ लेकिन बताओ लग कैसा रहा हूँ? माशाल्लाह बहुत प्यारा रहा, शुक्रिया। अच्छा किसी ने लिखा है आप पठान है? नहीं मैं पठान नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। और किसी और ने कुछ और भी लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन लिखा ज़रूर था। और अभी अब हम लोग सोच रहे हैं हम लोग कल जाएँ आइजल की, जो आइजल के लिए गिफ्ट्स और सरप्राइजेस कुछ प्लान करने, देखनी चीज़ें, तो उसके लिए हम कल फिर से निकलें क्योंकि आज तो पूरा का पूरा दिन जो है ना ज़ाया गया है, बिल्कुल बेकार, थर्ड क्लास जीरो गया, जीरो बेकार। मैंने लोगों से पूछा यार क्या सीन है वहाँ पे आ जाऊँ, तो मुझे लोग कह रहे हैं कि नहीं यार वहाँ नहीं आना, जो भी जान पहचान वाले नहीं आना, हमजा फंस जाएगा, इधर तो आना भी नहीं बिल्कुल नहीं आना। हम भी दुकानों के अंदर बैठे हुए हैं, बंधे हुए ना घर के ना बाहर के, कहीं कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला बेहतर यही है यार बंदा यहाँ से निकले, तो हम डायरेक्ट फिर घर आ गए।
और अब इतने टाइम बाद ये चीज़ें सुनने को मिली, इतना अजीब सा लग रहा था कि यार वैसे परेशान है, हर वक्त तंग है, हर कोई सर मार रहा है दीवार में अपना, और फिर ये चीज़ें हर वक्त पंगे फसाद पता नहीं क्या क्या होता रहता है यार मुल्क में, समझ से बाहर है यार इस सब क्या देखना पड़ रहा है। बहुत दिल दुख रहा था, फिर मैंने शरियार को फ़ोन किया, मैंने बोला आज चलते हैं कहीं घूमने, तो शरियार मुझे आया लेने स्पेशली, और माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है। चलो भाई चलते हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है हीरो मुझे। सो गाइस, बड़े लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, खाने का तो बिल्कुल मूड नहीं है, खाकर तो घर से आए थे, अब पी रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, खा कर आए थे, अब हम पिएंगे, वरना छोड़ते कहा। कुछ खाने तो बताओ, मंगाता हूँ मैं, बताओ बताओ यार, बात सुनना, चलो रहने दो। नहीं क्या, अच्छा क्या मंगाना है भाई, जल्दी मंगाओ। हमने पीना कोलाडा मंगवाया और आपने लेमनेड। सो गाइस अभी आ रहा है, और उसके बाद हमें नहीं पता शहर हमें कहाँ लेके जाता है, बोल रहे हैं और कहीं भी जाना है घुमाने के लिए, उसको पक्का कर रहा हूँ, उसने बोला नहीं है मुझे कुछ भी। आ गया भाई, आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंगो ये वाले पी लिया ना, इसलिए पता लग गया मुझे। अच्छा पीला पहना हुआ, पीला पी रही हो, उसे अच्छा नहीं है ना, सच बताना। अच्छा है, सही। बहरिया से आ गए थे मम्मी के लिए, यहाँ से मैंने सोडा लिया है, और तूबा के लिए यहाँ से फ्राइज ले रहा हूँ, फ्राइज में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, मसाला डाल दिया टाइट, रेडी है फ्राइज। नहीं सो गाइस, अभी अभी घर पहुँचा हूँ, आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बहुत थक गया आपका भाई। अब है सोने का वक्त, और ये अरीशा जो है रील्स बना रही है अपनी, कुछ कर रही है, उससे मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है, आ रही आवाज़ आ रही है, हाँ ये चल रहा है मैडम का इस वक्त, 3 बज रहे हैं रात के, माशाल्लाह से 3 बज रहा है इस वक्त। अभी अभी हम लोग बैरिया से आए और काफ़ी इंजॉय किया। आयशा मुझे मेरी आवाज़ बहुत बुरी लग रही है, बहुत गंदी लग रही है, बहुत गंदी है ना। नहीं यार अच्छी है, अच्छी है ना गाइस, आपके भाई की आवाज़। सर घूमे चक्कर खाए, चुप बिल्कुल चुप। कैसा तारीफ तो करो, गाना गा रहा है आपका सोहर हुआ, बिल्कुल अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया, इन आप लोग अच्छी लगी होगी ना, क्योंकि प्यार तो अंधा बहरा गूंगा काड़ा सब होता है। खैर आज हम लोग गिफ्ट लेने गए थे लेकिन नहीं मिले, बहुत ज्यादा ख्वारी हुई, तो अब हम लोग वापस से कल जाएंगे, और कल और भी जगह जाएंगे, आप लोगों को देखने का मिलेगा इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट व्लॉग में लगा, तो तब तक के लिए क्या करना है आपको पता है ना, मुझे तो पता है, अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो।